एस बी क्लास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है भी? देखिए फील्ड क्या था, आपको पता है कि किसी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिसमें कोई और चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, यस और नो? अब ये कौन बताएगा कि उसका कहाँ तक स्पेस है भी और कितना है उसका अमाउंट क्या है, वो बताएंगे लाइंस भी। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लाइंस क्या हैं? लाइन ही तो हैं। लाइन किस तरह की हो सकती हैं? करो भी हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं, यस और नो? ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है भाई, किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को भी। जहाँ पे लाइंस ज़्यादा होंगी वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, सीधी सी बात ये भी। कर पाओगे? ठीक है, लेकिन लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, ये पक्की बात है भाई। इलेक्ट्रिक लाइन एग्जिस्ट करती हैं। तो सिंपल एक बार ये लिखवाते हैं कि होती क्या है, एक बार लिख लीजिए। लेकिन इट इज ए स्ट्रेट और करव लाइन, इट इज ए स्ट्रेट और करव लाइन टेंजेंट टू विच इट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट ए पॉइंट। देखो जो लैंग्वेज लिखवाई गई ये है कि एक स्ट्रेट करो भी हो, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और करो भी हो सकती है, लाइन ही तो है भी। कर लोगे? जिन पे हम टेंजेंट ड्रा करें किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट के लिए क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा भाई, ये आपको लिखवाया गया है। तो सीधी सी बात है, लाइन हम यहाँ पे किसके लिए दिखा रहे हैं अभी? डायरेक्शन के लिए। कर लोगे? मान लेते हैं एक लाइन ऐसे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, मेरे को यहाँ पे निकालना है डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या करें? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं। व्हाट इज ए टेंजेंट भाई? हैं? टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर भी। क्या होता है? परपेंडिकुलर। कुछ नहीं है, करो किसका पार्ट है? पार्ट ए बेस सर्कल बोल सकते हैं, हो जाएगा। किसका पार्ट है? सर्कल का। यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करना भाई। टेंजेंट क्या होता है? रेडियस पे डालेगी परपेंडिकुलर लाइंस भी, उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे टेंजेंट मतलब किस पे डाली गई है? इसके एक्चुअल रेडियस पे डाली गई है लाइंस, हो जाएगा। अभी जिस पे भी डायरेक्शन निकालनी है उस पे क्या ड्रा कर दो? टेंजेंट ड्रा कर दो। वो टेंजेंट क्या देगा आपको? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट भी। अब इस पे कैसे ड्रा करोगे? टेंजेंट इस पे यही होगा भाई, ऐसे ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी डायरेक्शन में क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। एनी प्रॉब्लम भाई? कर पाओगे? देखो ये तो सिंपल है डेफिनेशन से, इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी। एक्चुअल में लाइंस क्या देती हैं? स्ट्रेंथ देती है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। ई अब सुना, ई क्या था? कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड है अभी, कितना फोर्स लग रहा था अपने ई निकाला अभी तक, तो वही है ये। देख लीजिए इसी में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ देगा अभी, कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड है आपका। यानी सीधी सी बात ये है भाई, जहाँ पे लाइंस ज़्यादा होंगी वहाँ पे फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा अभी। समझ में आया? यस और नो? ये था अभी आपका व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। समझ में आया कि नहीं आया अभी? अब क्वेश्चन है इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं अभी। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, पहला पॉइंट भी प्रॉपर्टीज एक क्वेश्चन आता भी एक नंबर में भी पक्का हर बार। ठीक है, प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट कि लाइन स्टार्ट कहाँ से होती होंगी। देखिए लाइन स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से भी, और एंड कहाँ पे होती हैं? नेगेटिव चार्ज पे। पहला पॉइंट यही है भी। देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। ओके,
स्टार्ट कहाँ से होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से। एंड कहाँ पे होती हैं? नेगेटिव चार्ज पे। कैसे लिखते हैं? मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, अभी लाइंस यहाँ से बाहर निकलती दिखाई देंगी आपको, अभी नहीं दिखाना पड़ेगा, दिखेंगे नहीं आपको, दिखाना पड़ेगा कि लाइंस क्या कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, कर लोगे। और नेगेटिव पे क्या होगा? एंड्स हो रही होंगी ऐसे, यस सर ना? लाइंस एंड कहाँ पे होती हैं? नेगेटिव चार्ज पे। तो पहला प्रॉपर्टीज ये है कि लाइन स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड कहाँ पे होती हैं? नेगेटिव चार्ज पे। बनाओ। आप अगर डायरेक्शन देख के लाइंस का बता सकते हो ना, बॉडी कौन सी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सही है कि नहीं है। जहाँ से लाइंस निकल रही होंगी वो पॉजिटिव होगी, जहाँ पे एंड हो रही होंगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। हो गया। अभी सेकेंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल होती हैं सरफेस के भी या चार्ज के भी। निकलती कैसे हैं? परपेंडिकुलर। एंड कहाँ पे होती हैं? परपेंडिकुलर। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस और चार्ज, चार्ज सरफेस हो या चार्ज हो कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। नॉर्मल टू द सरफेस और चार्ज भी। पॉइंट चार्ज यूज कर तब भी क्या होगा? नॉर्मल ही होगा उसके। वो भी दिखा था मैं, जरूरत नहीं डायग्राम बनाने की इसका। आपकी कोई चार्ज बॉडी है, हमेशा क्या होगी? लाइंस नॉर्मल होंगे यहाँ से ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, जरूरत नहीं बनाने की, कर पाओगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म क्लोज करव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म्ड क्लोज करव। क्लोज करव नहीं बनाती हुई। अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी हुई 10th क्लास में भी पढ़ी हुई ना, उसमें लिखा जाता है इट इज़ द कॉन्टिन्यूस क्लोज करव। क्या होते हैं वो? कॉन्टिन्यूस क्लोज करव। यही डिफरेंस है बस दोनों में। वो क्या पे बनाती हैं? करव, क्लोज करव बनाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सुना है कि नहीं सुना? याद है थोड़ी बहुत है? आपके पढ़ा होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट का भी। लाइन स्टार्ट फ्रॉम सॉरी मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, लूप बना रही है अभी। अभी यहाँ पे एंडिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बता नहीं सकते हम लोग। हम ये बोलेंगे नॉर्थ से निकल रही है, ऐसा बोल नहीं सकते हम लोग। लूप के अंदर हम कभी नहीं बोल सकते। पंखा चल रहा है अभी, बोल सकते कहाँ से शुरू हुआ था? चल रहा नहीं, हमारे पास जवाब नहीं है। चल रहा है ना? कौन सा एंड पॉइंट है, कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है, पता ही नहीं है। सही है कि नहीं है? कोई किसी भी क्लोज करव का स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होते भी। इसलिए जितनी भी मीटिंग्स होती हैं ऑफिसर्स की भी या मिनिस्टर्स की, राउंड टेबल पे होती हैं, देखा कभी न्यूज़ में भी? राउंड टेबल ऐसी होती है, देखिए कभी ऐसी ढंग से देखो, ऑब्जर्व किया तो राउंड टेबल होती है उनकी, कैसा क्यों होता है? हम मान लेते हैं इंटरनेशनल मीटिंग चल रही है अभी, सभी के प्राइम मिनिस्टर्स आए हुए हैं, यहाँ पे बैठ गया इंडिया का, यहाँ बैठ गया पाकिस्तान का, चिढ़ाएगा तो लास्ट में बैठेगा तो भाई, टेबल ऐसी हो तो यहाँ बैठ गया हो, यहाँ पे बैठ गया तो लास्ट में बैठ गया। वैसे तुम्हारे झगड़े होते हैं ना बेंचेज के ऊपर, सही है? अब राउंड टेबल बना दी, अब एक यहाँ बैठे हैं कि बेटा बता दे कौन सा पहला कौन सा एंड भाई, एंड पॉइंट है नहीं, इसलिए कोई क्वेश्चन ना उठे इसलिए क्या करते हैं, टेबल राउंड टेबल पे उठती। समझ में आया कि नहीं आया? छोड़ो, क्या लिखवा था मैंने? डज नॉट फॉर्म ए क्लोज कॉन्टिन्यूस करो। देखो कैसे बनाएंगे डायग्राम्स भी। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज भी। स्टार्टिंग कहाँ से होती है लाइन्स भी? पॉजिटिव से, तो पक्का है यहाँ से जाएंगे, यस सर ना? यहाँ पे भाई लाइन ऐसे जाएगी और ये जाके कहाँ पे एंड होगी? नेगेटिव पे। ये भी एंड होगी नेगेटिव पे ऐसे, समझ में आ रहा? ये भी एंड होगी नेगेटिव पे। नहीं समझ में आई तुम लोगों को? ये लाइन सही है सारी, जो हो जाएगा सेम यहाँ पे।
कौन सी है, ये लाइन है घूम के आ रही है यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये क्लोज करो है? है क्लोज है? नहीं है भाई, यहाँ पे जाके यहाँ पे एंड होगी, क्लोज कहाँ पे हुआ? क्लोज तो पूरा होता। सही है, क्या कॉन्टिन्यूस करो है? कॉन्टिन्यूस तो है भाई, लगातार जा रही है, जब तक चार्ज होंगे लाइन चलती जाएंगी। यस आर नो? इट इज, क्या लिखोगे? नॉट क्लोज बट कॉन्टिन्यूस करो, हो जाएगा। क्या इसका वापिस आ रही है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ? क्लोज तब होता जब पूरा होता, वैसे कर पाओगे? इट इज नॉट फॉर्म्ड, क्लोज करोगे, क्लोज करो नहीं बनाती। एक स्टेट भी डाल दो डायरेक्ट भी, ये भी हो सकता है। पॉजिटिव से कहाँ जाएगी लाइन्स? डायरेक्ट नेगेटिव पे। यस आर नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बना दो डायग्राम, समझ में आया? ये मेन डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर में, बाकी तो लगभग सेम है प्रॉपर्टीज। हो गया, कितने पॉइंट हो गए? तीन। फोर्थ पॉइंट डाली, इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हो गया भी इतना, जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस फोर्थ पॉइंट से ही आते हैं। अब करते हैं इसको, नेक्स्ट डालिए अभी। फोर्थ पॉइंट है, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर बी इंटरसेक्ट वी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर वी, नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये बोल रहा है कि लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं भी। अगर आपके पास एन चार्ज हो भी, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, लाइंस निकालेंगे पक्की बात, उनको खुद के फील्ड होंगे भी। यानी सीधी सी बात ये है, कोई भी फील्ड दूसरे फील्ड को क्रॉस नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही तुम लोगों को? कोई एक फील्ड दूसरे फील्ड में एंट्री नहीं करेगा, क्रॉस नहीं करेगा उस फील्ड को। तो क्या होगा? एन चार्ज डाले हुए सभी के फील्ड हैं, किसी का भी नहीं क्रॉस करेगा आपस में भी। तो क्या होगा? कुछ तो होना चाहिए। 10-12 शेयर छोड़ रखे हैं भाई, कोई शेयर किसी के फील्ड में एंट्री नहीं करेगा, रूल बना रखा है उन्होंने। अब दिक्कत ये होगी ना, बाउंड्रीज कौन डिसाइड करे? समझ में आया कि नहीं आया? यस आर नो? अब यहाँ पे भी सेम होगा भाई, एन चार्ज पड़े हुए तो फील्ड कैसे होगा? देखो पहला पॉइंट ये लिखवाया गया है, लाइन्स नेवर बी इंटरसेक्ट टू इच अदर। लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती भी। क्यों नहीं कर सकती? अगर इंटरसेक्ट कर गए तो क्या होगा भी? देख लीजिए, बिकॉज अब देखो इंटरसेक्ट कर गए, मान लेते कर गए इंटरसेक्ट भाई, एक लाइन ये है, एक लाइन ये काट गई यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट है? इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए मेरे को भी, मैं पूछना चाहता हूँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो डायरेक्शन करने का अलग ही तरीका भाई, टेंजेंट ड्रा करते हैं। यस आर नो? यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करूँ, इसके लिए ये होगा टेंजेंट भाई, और इसके लिए ये होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओ पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या पॉसिबल है? आप जुलाना खड़े हो गए, किसी को फोन आप कर रहे हो कि मैं रोहतक भी जा रहा हूँ, मैं जींद भी जा रहा हूँ, पॉसिबल है भाई? एक ही और डायरेक्शन हो सकते हैं, तो रोहतक जाएगा जींद जाएगा। यस आर नो? एक टाइम पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए काट नहीं सकते लाइन्स। क्या लिखवा था? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two direction of electric field which is not possible be, which is not possible, इसलिए intersect नहीं कर सकती। समझ में आया कि नहीं आया? कर पाओगे? यस सर ना? डायग्राम बनाऊ? हो गया अभी?
पांचवा पॉइंट लिखो, पांचवा पॉइंट क्या है, चलो हो गया। देखिए अगर ये एक वर्ड यूज किया बुकड़ो ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पांचवा पॉइंट जो आपका फिफ्थ पॉइंट है वो श्रिंक हो जाती हैं लेंथ के अकॉर्डिंग, दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनल किसके लिए होता है, लेंथ के लिए होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल के अकॉर्डिंग को क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ये प्रॉपर्टी किसको दिखाती है, किस पॉइंट को दिखाती है, देखो कैसे होती है बताऊँगा, लिखवाऊँगा अभी आपको मैं, मैंने डायग्राम बना था आपको ऐसे, ठीक है। दो चार इकट्ठे ले रहा था मैं, और लाइन्स ऐसे जा रही थी यहाँ से, यहाँ से ऐसे, यस और नो, इसके लाइन ऐसे जा रही थी, हमने इसको ऐसा मोड़ दिया था अभी, देखो यस और नो, अरे बता दो, ठीक है। मान लेते ये पॉजिटिव हो, अभी आएगा नहीं पॉइंट, नेक्स्ट में आएगा। अब ये लाइन कैसे जाएगी, अभी इसकी लाइन ऐसी आएगी, ऐसा लगता है क्रॉस करेंगे कहीं ना कहीं, तो सही है, इसकी भी लाइन ऐसी होंगी सारी, नहीं होंगी, ऐसा लग रहा है कि कुछ लाइन क्रॉस कर रही होंगी यहाँ पे, इसकी तो ऐसे आ रही है और ये ऐसे जा रही है, क्रॉस कर गई मे भी, लेकिन आप तो पढ़ा है क्रॉस तो कर नहीं सकते, सही है कि नहीं है। तो ये लाइन क्या करती है, यही है ये लाइन, ये सिकुड़ जाती है अभी ऐसे, इसको फैलना चाहिए था। अगर आप इंडिविजुअल पॉजिटिव लेते हो तो आपको देखा होगा सारी लाइन्स फैल रही हैं अभी, आगे चल के फैलती चली जा रही है, ये सर नो, लेकिन ये लाइन तो क्या हो गई, सिकुड़ गई भाई, ये तो फैलने वाली लाइन क्या होगी, मुड़ गई लेंथ के हिसाब से भी, ये क्या हुआ, इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ये प्रॉपर्टी किसको दिखाती है, किसने खींच लिया इसको अपनी तरफ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इट शो द अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस, क्या दिखाती है, अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। कर लोगे, दो पॉजिटिव लेते हैं, पहले ये लिखवाता हूँ उसके बाद लिखवाऊंगा मैं उसको, हो गया डायग्राम अभी बनाऊंगा दोबारा, लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, LONGITUDINALY, स्पेलिंग कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, CONTRACT, लॉन्गिट्यूडनली लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, दिस प्रॉपर्टी शो द अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस, दिस प्रॉपर्टी शो द अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस, ये अनलाइक चार्जेस की बीच की अट्रैक्शन को दिखाता है अभी, मतलब देखो ये लाइन स्टेट है अभी, इसको लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है। अगर आप ढंग से डायग्राम को देखो ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यही लाइन है जो वहाँ से आ रही है अभी, समझ में आ रहा है, इस लाइन को फैलना चाहिए था आगे, ये ऐसे आना चाहिए इसको, ये क्या कर रही है, इट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, लेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो गई है, सिकुड़ गई है। तो ये इनका हाथ क्या हुआ, इनके हाथ क्या हुआ, इसको आना जाना था स्टेट, जाना चाहिए था अभी, एक्चुअली ये भी घूम के आ रही है ऊपर से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको भी स्टेट जाना चाहिए था ऐसे, ये भी क्या कर रही है, घूम के आ रही है, ये क्या कर लाइन्स एक्चुअल में, इनको फैलना चाहिए, सिक्योर रही है लाइन्स, किसको दिखा रहा है, अट्रैक्शन को दिखा रहा है, क्योंकि खींच रहा है इनको अपनी तरफ, समझ में आया कि नहीं आया अभी। तो डायग्राम आपको यही बनाना है सिर्फ जो हमने पहले बनाया हुआ है, तो क्या लिखवाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, समझ में आया, किसको दिखाता है, इट शो द अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस, उसके उसमें भी ऐसे दिखाएगा, आप देखेंगे एन चार्ज तो क्या होगा, अभी यहाँ पे मैंने पॉजिटिव रख दिया मान लो तो क्या होगा, अभी नेक्स्ट पॉइंट वही है, चार्ज तो ही हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव,
हो गया अनलाइक, तो क्या हो रहा है लाइंस को क्या कर रहा है, सिक्योर रहा भाई। अगर लाइक्स होंगे तो दे एग्जिट ए प्रेशर ऑन द लाइंस भी, लाइन पे क्या लगा रहा होगा, प्रेशर्स लग रहा होगा, बताऊंगा अभी कैसे हो जाएगा। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट भी, डायग्राम हो गया भाई, कौन सा पॉइंट था ये, फिफ्थ, सिक्स्थ पॉइंट डालिए, सिक्स्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जर्ट लेटरल प्रेशर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जर्ट ए लेटरल प्रेशर, दिस प्रॉपर्टी शो द रिपल्सन बिटवीन, दिस प्रॉपर्टी शो द रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस, रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस। देखो भी कैसे होगा, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है मेरा भी, ये भी पॉजिटिव है यहाँ पे, अगर ये इंडिविजुअल चार्ज होते मेरे पास भी, अकेला पॉजिटिव होता तो क्या करता ये, इससे लाइन्स निकल रही होती चारों तरफ की, यह सर ना लाइन्स सारी कहाँ से निकलती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं, सेम यहाँ पे हो रहा होता इसके साथ भी, ऐसा लगेगा कि कुछ लाइन्स आपस में क्रॉस कर रही होती, यह सर ना लेकिन हमने पढ़ा हुआ है लाइन्स को क्रॉस कर नहीं सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्रॉस नहीं करेगा आपस में भी, कर पाओगे। अब क्या होगा इनके साथ भी, देखिए लाइन्स तो निकलेंगी पक्की बात है, अभी कब तक निकलेंगे, जब तक चार्ज है, ये हम ऐसे दिखा रहे हैं या दूर हट रहे हैं वैसे भी इनसे, एस आर नो कर लोगे, सेम यहाँ पे हो रहा है। अब प्रॉब्लम किसकी चल रही है, इन वालों की, सही है, ऐसा लगता है यहाँ पे तो क्रॉस कर गए भाई, देखिए तो क्या होगा, ये लाइन्स आपस में क्या करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट कर देंगे दूसरे के ऊपर भी, दूर उठ जाएंगे ऐसे, ऐसा लग रहा है कोई धक्का मारे इनको भी, और लाइन दिखाएं तो क्रॉस कोई नहीं करेगा भी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्या हो रहा है आपकी बार, क्या लग रहा है आपको, प्रेशर कहाँ पर लग रहा है, इस लाइन्स के ऊपर प्रेशर लग रहा है, लेटरल लाइन्स लोग चुड़ लिए, सही है कि नहीं है, इस लाइन पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है अभी, ये लाइन से थोड़े क्या करिए धक्का मार रही है, किसको दिखाता है, रिपल्सन्स को दिखाता है, लाइन्स क्रॉस नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। अब कितने चार्ज डाल दो, एन चार्ज पड़े हुए हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ये दिखाएंगे कंडीशन आएंगे, लाइक होंगे तो ऐसे दिखाएंगे सारे, जो पॉजिटिव हों सारे क्या हों, नेगेटिव हों, अनलाइक्स हों तो वो दिखाएंगे, जो पहले डायग्राम पहले बनाया था मैंने, वो क्या करेंगे, सिकुड़ जाएंगे लाइन्स, क्रॉस नहीं करेंगे अभी, समझ में आया, उसमें भी क्रॉस नहीं करेंगे, इसमें भी क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस हो गया तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा डायरेक्शन निकालना भी, क्योंकि एक पॉइंट पे की मोर देन टू वन डायरेक्शंस आ जाएंगे, समझ में आया कि नहीं आया, अभी दे एग्जर्ट ए लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, दिस इज शो द रिपल्सन्स बिटवीन लाइक चार्जेस। अब दो पॉजिटिव क्यों रिपेल करते हैं, समझ में आया तुम लोगों को, कि लाइन्स ही है उनकी ऐसी है कि धक्का मारे दूसरे को, क्रॉस नहीं कर पा रहे लाइन्स, दो नेगेटिव्स क्यों रिपल्सन करते हैं, सेम कंडीशन होती है, सही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्ट क्यों करता है, कि लाइन्स ही कोशिश कर रही है मिलने की आपस में भी, श्रिंक होने की भी, सही है कि नहीं है, हो जाएगा। ये था भी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में, एनी प्रॉब्लम क्लास, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक नंबर में दो नंबर में क्या करना सकता है अभी आपको, और मेन पॉइंट किसका है, क्रॉस क्यों नहीं करते भी, सही है अभी, नेक्स्ट टॉपिक करें, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी, हमारे फेस तो ऐसे लग रहे हैं पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, हम तो फेल ही ठीक थे, हैं ऐसा नहीं लग रहा तुम लोगों को, हम तो फेल ही ठीक थे भाई, से बढ़िया था, क्या 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 पढ़ाया जा रहा पता नहीं। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, यस भी, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल,
नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब सारे टॉपिक इसके चलेंगे डाइपोल के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज ए डाइपोल? डाइपोल जिसके दो पोल हों, दो सिरे हों, भी सही है कि नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक है तो चार्ज होंगे भी, मैग्नेटिक है तो मैग्नेट होंगे, सही है कि नहीं है? डाइपोल समझ आता है? जिसके दो सिरे हों भी उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल। कर पाओगे? तो डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्या है? कम्बिनेशन है टू चार्जेस का भी, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट इसका मतलब क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन भी, अपोजिट इन साइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बोलते हैं। कुछ नहीं है, कर पाओगे? तो लिख लीजिए क्या होता है। इट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड विद स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड विद स्मॉल डिस्टेंस। देखो दोबारा सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। इट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी एंड अपोजिट इन साइन, एक पॉजिटिव क्या होना चाहिए? नेगेटिव, जिनके बीच में क्या हो? छोटी सी दूरी होगी, विच आर सेपरेट विद स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल। कुछ नहीं है, दो चार्ज होंगे भी, दोनों चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे भी, दोनों क्यों है? एक पॉजिटिव का होगा, एक क्या होगा? नेगेटिव का होगा, बस दिस डाइपोल। और इनके बीच में छोटी सी दूरी होगी, ये भी डाइपोल मान लेते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस बुक वाला 2a लेता है, अभी कई बुक में 2r लिखा होता है। 2 क्यों यूज़ करते हैं? a क्यों नहीं यूज़ किया? मोस्टली एग्जांपल्स में नेक्स्ट जब टॉपिक आएंगे, डाइपोल को हाफ करना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं डिस्टेंस a ले लेता हूँ तो हाफ कितना होगा? a बाई टू। सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा आपको। तो हम पहले डिस्टेंस क्या लेते हैं? 2a लेते हैं, हाफ करेंगे तो a बच जाएगा, ए कोई ओरिजिन नहीं है इसका भी। कर पाओगे? क्या लेते हैं डिस्टेंस? 2a, क्योंकि पक्का है डाइपोल को हाफ किया जाएगा, तो a यहाँ बच जाएगा, a यहाँ बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बस लिखो डायग्राम बनाओ, ये आपका डाइपोल है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ना पूछा गया था डेफिनेशंस आपके बोर्ड के अंदर, व्हाट आर द कंडीशन फॉर आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल की कंडीशन क्या है, अच्छा डाइपोल कौन सा भी? अच्छा डाइपोल वही होता है क्लास जिसके चार्ज ज़्यादा हो और डिस्टेंस कम हो, जिसके चार्ज क्या हो? ज़्यादा हो और डिस्टेंस क्या हो? कम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडियल डाइपोल बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लिख सकते हो, लिखना हो तो लिखिए। एन आइडियल डाइपोल हैव हाई चार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस भी, हाई चार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। ये कंडीशन है कि चार्ज ज़्यादा हो, ज़्यादा की वैल्यू कितनी होती है? कोई आंसर नहीं होता ज़्यादा का। स्मॉल कितना होता है? कोई आंसर नहीं होता। कम से कम कितना कर सकते हैं आपकी चॉइस में, सही है कि नहीं है? अब क्वेश्चन वही होता है भाई, स्मॉलेस्ट डाइपोल कौन सा है? अगर आपने ऑब्जर्व किया हो एटम को भी, बीच में पॉजिटिव, बाहर क्या है? नेगेटिव, इक्वल अमाउंट में होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन सेपरेट विद स्मॉल डिस्टेंसेस, इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। एटम क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, सही है कि नहीं? और एटम क्या है? मैग्नेट डाइपोल भी है, क्योंकि सारा ओरिजिन क्या है भाई क्लास? हर चीज़ का ओरिजिन क्या है? एटम ही है। समझ में आया अभी? स्टार्टिंग यहीं से होता सब कुछ। कर पाओगे? अब एटम मैग्नेट क्यों है? आपको पता है कि चार्ज घूमने से करंट बनता है अभी, और करंट से क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो खुद भी एक मैग्नेट भी है। मैग्नेट तो क्या होंगे? इसके पोल्स भी होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स स्मॉल इन डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल्स। इक्वल इन मैग्नीट्यूड के पोल्स होंगे एंड अपोजिट इन नेचर्स भी, एक नॉर्थ का होगा कि क्या होगा? साउथ का होगा।
मैग्नेट उसके बोलते हैं, मैग्नेट हम लोग एक मैग्नेट के पास क्या होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। समझ में आया? तो एटम क्या है, एक मैग्नेट डाइपोल भी है और एटम क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल भी है। छोटा बोल सकते हैं कि आपको पता है कि इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट डाइपोल क्या है, एटम है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अभी समझ में, डाइपोल क्या है, कुछ नहीं है, एक कम्बिनेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव का, जो इक्वली मैग्नीट्यूड हैं और साइन क्या है उनके, तो पॉजिटिव हैं और उनके बीच में क्या है, छोटी सी डिस्टेंस। कर पाओगे कि नहीं? अब इसी में एक पॉइंट आता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। नेक्स्ट लिखिए इसी का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको पी से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा दो फील्ड है भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का, तो कॉम्बिनेशन किसका है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यस और नो? क्वेश्चन पूछ लें नेट फील्ड कितना है, तो निकालना तो पड़ेगा नेट फील्ड के वैल्यूज। कर पाओगे? यानी स्ट्रेंथ क्या है डाइपोल का, कौन देगा आपको, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देगा। लिख लीजिए, इट गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, हो गया। आगे लिखिए इसी में, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस किसका है, गुणा भाई, पी से लिखते हैं इसको। किसकी गुणा है, चार्ज की, कोई भी यूज करो, प्लस माइनस वैल्यू तो सेम है भाई, यस और नो। इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितनी थी, 2a, दिस इज फार्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट, सही है कि नहीं है? yes. कर पाओगे? अब यूनिट क्या होंगी पी की, यूनिट ऑफ पी, चार्ज की क्या होती है, कॉलम्स, और डिस्टेंस की मीटर, कॉलम्स मीटर, सही है कि नहीं है, डिस्टेंस ही है 2a। कर पाओगे कि नहीं? अब क्वेश्चन है, वेक्टर है कि स्केलर है, ए और बी पॉइंट बना रखे हैं, डिस्टेंस उन्हीं के बीच का है, उसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ उसको मैं। अब क्वेश्चन ये है, देखिए ये ए बी है भाई, ए बी के बीच का 5 मीटर डिस्टेंस है अभी, अभी एक मिनट रुक, ए बी के बीच का कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, 5 मीटर ही है, यस और नो? तो ये डिस्प्लेसमेंट है भाई, एक्चुअल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। कर पाओगे? तो ये डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी वेक्टर होना चाहिए। देख लीजिए, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होती है, देनी पड़ेगी मेरे को डायरेक्शंस, तो देख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज भी। डायरेक्शन क्या होती है मोमेंट की, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कर पाओगे? बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं, टॉपिक पूरा हो गया।